स्पष्टता से मानना है कि जो 2014 के चुनाव में हम कहते थे कि 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने करे हैं, एक के बाद एक के बाद एक स्केलेटन कॉफिन में से निकलकर बाहर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने इसका जवाब देना चाहिए, एनसीपी ने इसका जवाब देना चाहिए कि ये जो दस्तावेज है जो आपकी चैनल ने सार्वजनिक किया है, अगर ये सही है तो इसके बारे में उनकी टिप्पणी क्या है। मगर आश्चर्य है दोनों पार्टियां मौन है, सिर्फ प्रफुल्ल पटेल जवाब दे रहे हैं और मैंने उनका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा है, इसमें इस बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे कि हाजरा बीबी के साथ ये एग्रीमेंट उनको क्यों करना पड़ा, क्या मजबूरी थी। लेकिन अमित शाह जी, आप कह रहे हैं घोटाले, ये घोटाले से कहीं आगे है। ये इकबाल मिर्ची अक्यूज्ड है टेरर के केस में, 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट में कितनी जाने गई थी, ये उन विक्टिम्स की फैमिलीज आज जानना चाह रही है और आप गृह मंत्री हैं। ये जवाब हम राहुल गांधी शरद पवार से तो पूछेंगे ही, लेकिन इस पर एक्शन क्या होगा, क्योंकि आपके आपकी समझ से इस पर ये टेरर का है कि नहीं? ऐसा है, इस पर ऑलरेडी एक्शन चल रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी जांच कर ही रहा है, आपने इसको सार्वजनिक किया है। मेरा इतना ही कहना है कि कोई भी जांच संविधान के दायरे के तहत होगी और इसमें अगर टेरर एंगल कुछ भी मिलता है, आएगा ही आएगा, अगर आता है तो फिर इसकी जांच उस एंगल से भी जरूर होगी, जांच न करने का कोई सवाल ही नहीं है।